आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हमारे इस खास रिपोर्ट के साथ मैं आप सबकी होस्ट रखते हाजिर हूँ लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप जानते हैं हम आपको देते हैं। और आज की ये खबर आई हुई है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं कपिल सिब्बल। बताया जा रहा था कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए कपिल सिब्बल की एंट्री आजम खान से विद्रोह तेवर के बारे में जानने के बाद अखिलेश ने कराई। अखिलेश ने समर्थन दिया है कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल जिन्होंने ये कहा कि मुझे कांग्रेस से किसी भी तरह की शिकायत नहीं। सोनिया से मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी से मिलने के बाद इस्तीफा सौंपने से ठीक पहले उनका व्यवहार जो मेरे प्रति सद्भावपूर्ण था इसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ पार्टी छोड़ने के लिए। तो देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरह से कांग्रेस को देश भर में मजबूत करना चाहते, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा देना, यानी कि सुनील जाखड़ के बाद अब कपिल सिब्बल का इस्तीफा देना, कांग्रेस से राज्यसभा की सीट के लिए सपा में उनका जुड़ जाना कई मुश्किलें खड़े करता है। तो कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस के धोखे पर बात भले ना करें लेकिन कांग्रेस जनता के साथ धोखा कर चुकी है। कांग्रेस आगे जनता के बीच विश्वास नहीं बना पाएगी ये बात यकीन हो चुका है कपिल सिब्बल को। इसीलिए अपनी नाराजगी को उन्होंने सिर्फ दुख तकलीफ के साथ साझा किया। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल रहा इस्तीफा देना। अब आजम खान की बात कर लीजिए, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की बात कर लीजिए। आजम और अब्दुल्ला की अगर आप बात करेंगे तो आजम और अब्दुल्ला दोनों ही अखिलेश मुलायम से नाराज रहे। इस बीच शिवपाल ने कहा कि सपा की हार नहीं होती अगर 100 सीटें प्रसपा को सपा दी होती इस बार विधानसभा चुनाव में। तो शिवपाल की जितनी नाराजगी है मुलायम परिवार को लेकर वो है अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर। आजम की नाराजगी किस वजह से आप ये जरूर जानना चाहेंगे। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर आजम की नाराजगी है। नेता प्रतिपक्ष आजम खान को अगर बनाया जाता तो अखिलेश मुलायम के परिवार के प्रति आजम का रवैया अलग होता, सपा के प्रति उनका रवैया अलग होता। तो आजम ने कांग्रेस पार्टी से लेकर बसपा को लेकर बीजेपी को लेकर अपनी राय अलग अलग दी और समाजवादी पार्टी छोड़ने को लेकर एक बार फिर से उन्होंने इशारा कर दिया है। तो आजम नेता प्रतिपक्ष ना बनने पर ही अपना गुस्सा समाजवादी पार्टी पर दिखाते नजर आए। अब कैसे गुस्सा उन्होंने दिखाया है आप जरूर जानना चाहेंगे। तो आजम की विद्रोह तेवर इस वक्त किस तरह से सपा को और मुश्किलों में डालते नजर आए ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आजम खान पर सबसे ज्यादा शिकंजा कसने वाले यूपी सरकार से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आजम खान की जमानत शर्त पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे सामने आया है। अब आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, इलीगल बिल्डिंग बनाने को लेकर, अवैध संपत्ति को लेकर जो जमानत शर्त थी उसकी अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के शर्त को लेकर बताया गया है कि बेल का शर्त जो है बहुत ही ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आजम खान किस तरह से मजबूत होकर जेल से निकले हैं। वैसे आपको बता दें आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद सीधा एटीट्यूड जो था योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत हैरान कर देने वाला था। यूपी में भाजपा सरकार को लेकर आजम खान ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो राजनीति आजम खान ही नहीं मुस्लिमों के खिलाफ योगी जी कर रहे हैं, ये आजम खान ने कहा था। अब आप जानिए आजम खान को खुली धमकी देखा गया था योगी आदित्यनाथ को हाल ही में देते। उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ उत्तर प्रदेश का, ये कहकर धमकी दी थी योगी आदित्यनाथ को आजम खान ने कि आखिर क्या कर लेंगे वो जानकर अगर मैं कहूँ कि मैं माफिया हूँ और तो और सबसे बड़ा माफिया हूँ। और तो और आजम ने कहा कि इतनी दुश्मनी मुझसे क्यों, जरूर पूछूंगा उनसे मिलकर। कभी योगी जी के साथ आजम को हंसते आपने देखा होगा। 88 केस में उन्हें जमानत मिली और 88 केस के बाद 87 केस को लेकर उन्हें फंसाया गया 27 महीने जेल में रहने के बाद, जिसे लेकर आजम खान काफी गुस्से में नजर आए।
ये आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि आजम खान की जमानत पर बेटे अब्दुल्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहकर हुंकार भरी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं आप सबको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, हरीशू पर आजम खान ने जमकर आवाज उठाई, लैंड माफिया गुंडा कहा गया आजम खान को, लेकिन हर मामले में उन्होंने आवाज उठाई है, लोगों ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया है। और अब जरा जान लीजिए आजम खान को लेकर, उनके नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर क्या खबर कहती है। दरअसल ये कहना है पूरे आजम खान के परिवार का कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद नहीं की। डर ये था कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर आजम खान के समर्थक अखिलेश पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि देखा जाए तो 80 से ज्यादा प्रतिशत के वोट इस बार समाजवादी पार्टी को उन्होंने दिए हैं जो कि आजम के समर्थक थे, आजम खान के समर्थक। एमपी डॉक्टर अरमान बर्ग तक आजम खान के साथ नजर आए, अखिलेश के नहीं। शिवपाल ने भी आजम खान का समर्थन किया। तो देखिए समाजवादी पार्टी के सबसे पहले नंबर के कद्दावर नेता आजम है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। 30 साल समाजवादी पार्टी के साथ वो कार्यरत रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनकी लालच नहीं रही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वो बनना चाहते थे, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को घेरना चाहते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाए नहीं किया, किसी भी पार्टी ने उन्हें मदद नहीं किया, और ऐसे में आजम खान का नाराज होना बनना था। और मुलायम सिंह यादव भी उनसे हालचाल तक लेते नजर नहीं है, क्योंकि आजम खान जानते हैं कि मुलायम ने भी अखिलेश को नेता प्रतिपक्ष बनने से नहीं रोका, लेकिन आजम को इसी बात की तकलीफ है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश को बनाया गया, उनसे कई गुना ज्यादा अनुभवी आजम थे, लेकिन उनके लिए फैसला नहीं लिया गया, सम्मान नहीं मिला ना कुर्सी मिली, फिर वो सिर्फ जेल में रहे आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए। तो इस पर आखिर कैसे वो भरोसा करे कि अखिलेश ने वाकई आजम को जेल से बाहर निकालने में मदद की, कोई मदद नहीं की। अखिलेश भले ही कहते हैं कि उनका बाहर आना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद आजम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। और आजम खान को इसी बात की इसलिए खुशी नहीं है कि एसपी में कपिल सिब्बल ने ज्वाइन किया। आजम खान ने क्लियर किया कि मुझे ना तो किसी ने बताया, ना तो यानी कि अखिलेश मुलायम ने मिलकर जो फैसला कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का लिया था, इसमें आजम खान की मौजूदगी नहीं थी, आजम खान की मर्जी नहीं थी, आजम खान के खिलाफ जाकर ये फैसला उठाया गया। आजम को बिना बताए कपिल सिब्बल को सीधा समाजवादी पार्टी में एंट्री करा दी गई अखिलेश और मुलायम की तरह, यानी कि अखिलेश और मुलायम ने आजम खान की हिम्मत नहीं समझी, उनसे पूछना तक नहीं समझा, उन्हें बताना तक नहीं समझा कि उन्हें बताया जाए कि कपिल को कांग्रेस से सीधा समाजवादी पार्टी में लाया जा रहा है। इसलिए तो आजम को तकलीफ है कि आजम को किसी भी हक के लिए लड़ना पड़ा है समाजवादी पार्टी में, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। नेक्स्ट राइट न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।